होटल के गांव रामगढ़ में बीमारी की चपेट में आने से करीब 20 से भी अधिक मवेशियों की मौत से गांव के निवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। पशु विशेषज्ञों की टीम गांव में डेरा डाल इलाज में जुट गई है। होडल के गांव रामगढ़ में पशुओं में भयंकर बीमारी फैल चुकी है। बीमारी की वजह से चार दिनों में करीब 200 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है और गांव में सैकड़ों पशु इस बीमारी के चपेट में हैं। एक के बाद एक हो रही पशुओं की मौत से गांव में कोहराम है, जिसकी सूचना गांव के सरपंच ने पशुपालन विभाग को दी और जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीमें गाँव में डेरा डाले हुए है और घर घर जाकर पशुओं का इलाज में जुट गई है। डॉक्टरों ने बताया कि बरसात के दिनों में कीचड़ में रहने से पशुओं के पाँव में खुरपात की बीमारी फैलने लगी है, जिसकी वजह से पशुओं के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और पशु की मौत हो जाती है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम पशुओं के उपचार में जुट गई है। डॉक्टर अनुराग ने लोगों से अपील की है कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए साफ जगह पर रखें और बीमारी होने पर और पशुओं से दूर रखें और समय रहते पशुओं को टीका लगवाएं। मेरे गांव में लगभग 8-10 पशु दुधारू मर चुके हैं, 8-10 छोटे छोटे लवारे मर चुके हैं। बाकी डॉक्टर साहब की जो टीम चल रही है डॉक्टर अनुराग के देख रेख में, वो टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। 10-20 डॉक्टर डेली होते हैं गांव में, 12-13 घंटे ड्यूटी देते हैं। अब कब आ रहा है, अब कोई हादसा नहीं है फिलहाल। तो ये कितने दिनों से बीमारी फैली हुई है? ये लगभग एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से बीमारी फैली हुई थी। हाँ जी, तो लगभग लोगों का इसमें कितना नुकसान होगा? लगभग जो दुधारू पशु है वो लगभग 80-1 लाख रुपए के आसपास होता है। एक पशु का 80,000 से 1 लाख तक की कीमत होती है। ये फुट सोर की ये बीमारी है, इसमें लगभग 15-16 पशुओं की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है जी। तो कितने लोगों की टीम यहाँ पर लगी हुई है, कितने दिनों से लगी हुई है? ये कम से कम 5-6 दिन से हमारी टीम अपना वर्क कर रही है। इसमें 15-16 इसमें पशुओं की डेथ हो चुकी है और काफ़ी अच्छा हमारा अब जो है कवर हो चुका है काफ़ी। तो लगभग अब एक भी कैजुअल्टी फिलहाल 2 दिन से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है जी। तो ये क्या बीमारी हो सकती है? ये फुट सोर की बीमारी होती है जिसमें कि पैर में दिक्कत आ जाती है और पशु थोड़ा लंगड़ाने लगता है, उसका हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे कोई सावधानी बताएंगे कि जिससे लोग ऐसे बीमारी से बचा सके? अगर जो पशु जो बीमार हो गया है वो अन्य पशु से उसे अलग बांधा जाए ताकि वो बीमारी वो दूसरे पशु में इन्फेक्शन उसका नहीं लगे जी। उसे बिल्कुल अलग रखा जाए, उसका नहर पानी अलग किया जाए जी। और आगे भी पशुओं के जब भी टीके लगें हमेशा पशुओं को टीके समय पर लगवाने चाहिए।